वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो आज एक बहुत प्यारे रूट वर्ड को हम करेंगे एंड होप सो एक ही रूट वर्ड से आपके बहुत सारे वर्ड्स और आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इस प्यारे से वो कैब के सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रूट वर्ड है हमारे पास, दैट इज द थियो, एंड थियो का मतलब होता है गॉड। तो इसको किस तरह से कोरिलेट करेंगे, देखिए थियो ये जो रूट वर्ड है ये भगवान से संबंधित है, और आज हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी वोकैब के वर्ड्स रहेंगे वो इसी कीवर्ड से रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रणाम करते हैं विघ्नहर्ता जी को। एंड अगर लास्ट में IST किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ये वर्ड्स ये इस तरह से IST फॉर्म में मिल जाते हैं, तो इट मींस ये डिनोट कर रहे हैं पर्सन की तरफ, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी पर्सन की पहचान को। लाइक हम देख सकते हैं आर्टिस्ट, यानी जिसमें कोई कला होती है, लास्ट में देख सकते हैं IST है, यानी ये एक पर्सन की तरफ यहाँ पर इंडिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट, यानी कोई भी जो एक स्पेशलिस्ट होता है लाइक स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि डर्मा जो होता है दैट इज कॉल्ड स्किन, एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा जो स्पेशलिस्ट होता है। उसी तरह से टाइपिस्ट मींस जो टाइप करता है, साइंटिस्ट मींस जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एंड नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा वो पर्टिकुलर पर्सन। एंड इसी तरह से लॉजी भी होता है, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, एंड साइकोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा जिसकी एक्सपर्टनेस होगी, या हम कहें कि जो एक्सपर्ट होगा साइकोलॉजी के अंदर यानी मनोविज्ञान के अंदर। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास पहला जो वर्ड आ रहा है दैट इज द थीस्ट। ये जो थीस्ट वर्ड बना है ये किस किस कॉम्बिनेशन से बना है, थियो प्लस IST, इस तरह से बना है ये वर्ड थीस्ट। एंड थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, यानी एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, भगवान में जिसका विश्वास हो उसे बोलते हैं आस्तिक। तो थियो वर्ड जो होता है ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है, गॉड की तरफ, एंड IST इसका मतलब हो जाएगा वो स्पेसिफाई पर्सन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग धर्मों को और इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया जो कि भगवान के ही दिखाए हुए रास्ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एथीस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पढ़ा था कि जितने भी वर्ड्स होते हैं अगर उनके आगे ए लगा होता है तो 90% वो नेगेटिव मीनिंग देते हैं, नॉट ऑल 100%, 92 इवन 99% भी हम कह सकते हैं वो एक नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो सेम यहाँ पर एथीस्ट जो है ये भी एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ये किस किस कॉम्बिनेशन से बना है, देखो अ से बना है यानी ए हो गया यहाँ पे, एंड देन थियो वर्ड हो गया, एंड देन IST से बना है ये। ए का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से नो के मीनिंग की सेंस में, एंड थियो का मतलब होता है गॉड, और IST होता है किसी पर्सन को आइडेंटिफाई एक तरह से करने के लिए उसकी क्वालिटी को। तो इट मींस वन हु डज नॉट, या हम कहेंगे डजन, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं नास्तिक। तो नास्तिक वो होता है जिसका भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिखा रखे हैं, और जैसे कई बार आपने देखा होगा पी के ऊपर इस तरह से लगा होता है जहां पर लिखा होता है कि नो पार्किंग, उसी तरह से यहाँ पे कुछ रिलीजन बताए हुए हैं, और यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं एथीस्ट का मीनिंग। यहाँ पे देखिए भगत सिंह जो कि एक बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर है, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को शहीद दिवस इस दिन बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए भगत सिंह जी के द्वारा
लिखी हुई एक बुक है कि वाई आई एम एन एथीस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक्चुअली जो भगत सिंह थे ये बहुत ही महान, एक हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी हुए, बहुत ही एक वॉयलेंट रवैया था, एरोगेंट टाइप के थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के प्रति एरोगेंट थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे भारतीय थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ड्स, मोनोथीस्ट का मीनिंग क्या होगा। देखिए मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मतलब होता है जैसे हम कह रहे हैं वन, यहाँ पर नंबर डिनोट हो रहा है, तो थीस्ट का मीन्स क्या हो जाएगा, गॉड के लिए यूज किया गया थीस्ट, या हम कह सकते हैं कि थियो, थियो वर्ड जो है ये भगवान के लिए, भगवान से रिलेटेड है, तो इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो किस में बिलीव करता है, एक ही भगवान में बिलीव करता है। मान लीजिए कोई हनुमान जी को पूजा करता है उसकी, या शिव जी भगवान के, यानी एक ही भगवान के अंदर जिसका बिलीवेंस हो उसको बोलते हैं मोनोथीस्ट। यहाँ पर मोनो का मतलब होता है वन एंड थियो का मतलब होता है गॉड एंड आईएसटी मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन। ओके नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीथीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को, इन रूट वर्ड्स को देखेंगे कि पॉली का मतलब होता है मैनी, लाइक हम पढ़ते थे पॉलीगन मैथ्स के अंदर पढ़ते थे, एंड पॉलीगन का मतलब क्या होता था, एक ऐसी शेप जिसकी बहुत सारी आर्म्स होती थी, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी भुजाएं होती थी, पेंटागन है, ऑक्टागन है, एंड सो मेनी शेप्स हम ड्रॉ करते थे, मैनी साइड्स होती थी, उसको बोलते थे पॉलीगन। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड थीस्ट का मतलब होता है बिलीवेंस, यानी जिसका गॉड में बिलीवेंस होगा, हम कह सकते हैं कि वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान हम कह सकते हैं उनके अंदर विश्वास होता है, लाइक गणेश जी के अंदर भी, शिव जी भगवान जी के अंदर भी, हनुमान जी और भी बहुत सारे, यानी जो भगवान होते हैं उनके अंदर जिनका बिलीव होगा उसको हम बोलेंगे पॉलीथीस्ट। ओके नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है दैट इज द पैनथीस्ट। तो पैन का मीनिंग क्या होता है, देखिए पैन का मतलब होता है ऑल, यानी टोटल जितने भी हैं, एंड थीस्ट को भी हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पर थियो वर्ड से, एंड आई एस टी मीन्स एक पर्सन की तरफ इशारा हो रहा है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों का हम कह सकते हैं कि बिलीव करता है, और ऑब्वियस सी बात है वो बिलीव कर रहा है तो उसका विश्वास भी है, लाइक हम कह सकते हैं कि मुगल एम्परर जो अकबर हुए थे, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि वो सभी धर्मों का आदर करते थे, तो वो हो गए पैनथीस्ट, यानी वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन्स, जितने भी धर्म होते हैं सबके अंदर वो विश्वास रखते हैं, उनका बिलीवेंस होता है, क्योंकि सभी धर्म सभी रिलीजन हमें क्या सिखाते हैं, हमें नॉन वॉयलेंस सिखाते हैं, हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं, यही चीज बताई हुई है हर धर्म के अंदर, बस उनके नाम अलग अलग हैं और उनके रूप अलग अलग हैं और कुछ भी नहीं है, बाकी सबके अंदर सेम है। नेक्स्ट देखिए वर्ड आता है थियोक्रेसी। तो कल हमने एक रूट वर्ड लिया था दैट इज द क्रेसी और आर्की वर्ड लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो क्रेसी या आर्की जो वर्ड होता है तो इसका मतलब होता है कि मोड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, लाइक किस तरह की सरकार है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, हमने पढ़ा था कि डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमो का मतलब हो गया था पीपल, एंड क्रेसी का मतलब हो गया था कि गवर्नमेंट, तो यानी वो गवर्नमेंट है यहाँ पर जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है, मीन्स यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि हम अपने जो हम कह सकते हैं कि अपने वोट का यूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। तो देखिए थियो का मतलब हो गया गॉड एंड क्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट ऐसी सरकार जो भगवान के द्वारा चलाई जाए, और नॉर्मली इसका एग्जांपल होता है लाइक प्रीस्ट वगैरह हो गए या जो पोप वगैरह हो गए, हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड होता है वहाँ पे पोप वगैरह होते हैं जो कि पूरा का पूरा चर्च का या बाकी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती है वो मेनली उनके द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। तो होप सो देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं ये रूट वर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवाने में।
क्योंकि इन्हीं रूट वर्ड से आपका एक बेस तैयार होगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी तरह से आपका जो वोकैब का खजाना है वो इतना वास्ट हो जाएगा कि आप अपने एग्जाम में ही पूरे के पूरे बहुत बेस्ट तरीके से उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारी वोकैब सेक्शन तो बढ़ ही रहा है, साथ में हमारा कवर हो रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो भी कवर हो रहा है। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, तो आप ऑटोमेटिकली कहेंगे थीस्ट। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड तो एथीस्ट हो जाएगा, या पैंथीस्ट है, थियोक्रेसी है, पॉलीथीस्ट है। मेनी वर्ड्स मतलब हम देख सकते हैं इससे एसोसिएट हो जाएंगे। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। तो जय हिंद, जय भारत।